हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना पर्पल हॉल। बहुत छोटा एंड टाइनी माइनी वाला हॉल है, लेकिन बहुत बड़ा वाला हॉल आने वाला है। मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक पे जाते हैं। बहुत छोटा वाला हॉल है। मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स अपनी मम्मा को भी सेंड किए हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगी। एंड भाई के पास ग्रीन टी गई है, तो ग्रीन टी भाई ने बनाई है और उसकी रेसिपी भी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी आज की वीडियो में, सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और पर्पल के ऊपर सेल स्टार्ट होने वाली है 4th अगस्त से 8th अगस्त तक। आई हार्ट ब्यूटी सेल है ये। 500 ब्रांड्स होंगे जिनके ऊपर 50% ऑफ तक आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ी वाली सेल है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना 4th अगस्त से 8th अगस्त तक। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक अच्छा लग रहा है, तो मैंने क्रिएट किया था हीना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक, नागिन मेकअप लुक है ये इनका। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, तब जाके देख लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन। गाइज, ये है गुड वाइब्स की ग्रीन टी की रेंज। सिनेमन एंड लिकोराइस आपको मिल जाता है, मिंट एंड लेमन ग्रास आपको मिल जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी एंड रिफ्रेशिंग का, इसका बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग वाला इसका टेस्ट इसका होता है, एकदम ही ठंडा ठंडा आता है। और ये जो है ये भी है ग्रीन टी, लेकिन ये आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। इसके अंदर में मोरिंगा है, लेमन ग्रास है, बहुत ज़्यादा ये भी आपको टेस्टी लगेगा। लेकिन मुझे पर्सनली वो वाला मुझे पसंद आया, लेमन ग्रास एंड मिंट वाला, ये कुछ ज़्यादा ही मुझे अमेजिंग लगा। आप भी इसे ले सकते हैं। और एक और है, ये है लिकोराइस वाला, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ये आप अभी के टाइम पे ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपने पानी लेना है। एक पतीले को गर्म करें, हाई फ्लेम पे है अभी, अपने मन की जो भी आपको पसंद में आपको आए वो आपको 1 टीस्पून डालना है एक कप पानी में। छोटा सा आपको गुड़ का आपको टुकड़ा आपको डालना है। अगर आपके पास में गुड़ नहीं है, तो आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर में एक बॉयल जब आ जाए, अच्छे से इसके अंदर में बॉयल आना चाहिए, तो अपने गैस की फ्लेम को बंद कर दें, मीडियम फ्लेम पे ये वाला काम करें। उसके बाद में बस इसे स्ट्रेन कर ले आराम से, आप इसे अब एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, पीने में तो अच्छा लगेगा ही, बाकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, मूड को अपलिफ्ट करेगा, फेस अच्छा हो जाएगा, स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है। आपको तो सबको पता ही है ग्रीन टी के अंदर में कितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहा है। एंड गाइज, ये है कुछ गिफ्ट्स जो मेरी दीदी ने मुझे भेजे हैं और मेरी मम्मी को भेजे हैं। अब अलग अलग क्या भेजा जाए, कंबाइंड ही भेजे हैं। ये जो लिप बाम है बायो फ्रूट, ये बायोटिक की है, एडवांस्ड आयुर्वेदा है, ठीक है, एकदम ही आयुर्वेदिक वाली लिप बाम है। और साथ में दीदी ने काजल भेजा है, वो मम्मा के लिए है, एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश है, जो कि purple.com की तरफ से फ्री गिफ्ट है। तो इसका यूज़ तो हम लोग सबको ही कर सकते हैं, लेकिन काजल का तो चलो मैं नहीं करूँगा, वो मेरी मम्मा करेगी। ये देखिए बायो फ्रूट वाली लिप बाम है, वाइटनिंग वाली लिप बाम होती है ये, हमारे जो लिप्स होते हैं उन्हें अच्छा रखती है टेक्स्चर में। आजकल लिप्स बहुत ज़्यादा सूख रहे थे, बरसात का मौसम है, कभी ड्राई वाला मौसम आ जा रहा है, कभी नॉर्मल वाला मौसम आ जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसे मौसम में हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए। इसकी जो
शेल्फ लाइफ है वो है 3 साल की, और इसका जो प्राइस है 175 यहाँ पे लिखा हो, बट आप घबराए मत, आपको purple.com से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यही है, या मैंने इसे डब्बे में से निकाल लिया है, यही बस छोटी सी एक निकलती है जो कि अमेजिंग है। ये देखिए कलर वाली है, थोड़े से आपको लिप्स को ये कलर दे देगी, ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही आपके लिप्स को ये लाल बना देगी, ठीक है। ये खुद भले रेड है लेकिन ये थोड़ा सा एकदम, अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाते हैं तो थोड़ा सा लाइट बस इसमें कलर करना है। आप इसे ले सकते हैं, लड़का हो या लड़की, आप इसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो खुद इसे पर्सनली यूज़ इसे मैं कर रहा हूँ, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसे मैं पहले से यूज़ कर रहा है, मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा क्या खुद से ऑर्डर करें, दीदी से गिफ्ट मांग लेते हैं। और गाइज ये है काजल, ये आपको अच्छा लगेगा, आप एक बार इसे यूज़ करके देखें, स्मज फ्री है, आराम से ऐसे निकल जाता है। बाकी अगर ज़्यादा निकाल के लगाएंगे तो टूट ही जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, कम ही निकालें, आराम से इसका यूज़ करें। गाइस अब आपने देख लिया मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मम्मा के लिए सेंड किए, बस 2-4 ही थे, कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं था, बट मुझे लगा कि चलो मैं आप लोग के साथ क्लिप शेयर करूं। एंड भाई ने क्या सुंदर एडिटिंग की, शूट किया वीडियो को इतना देर लगा के और वॉइस ओवर करके सब कुछ मुझे उसने सेंड किया, थैंक यू सो मच भाई, लव यू, और सारी क्लिप तैयार करके सेंड की और मैं बस अपनी वीडियो में उसको मैंने फिट कर दिया तो मेरा काम खत्म हो गया, इजी हो गया, थैंक यू सो मच भाई। मेरे भाई का एक यूट्यूब का चैनल भी है, मिस्टर बग्गा किचन कुकिंग का चैनल है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं जिनको ये बात नहीं पता है तो बस मैं उन्हीं को बता रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे भाई के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली रेसिपीज बनाता है और साथ साथ में मम्मा भी हेल्प करते हैं उसको, तो बस यही कह रहा था। एंड या हमारे एक और नया नया चैनल हमने स्टार्ट किया है, स्वाति सुमित गार्डन, नए अभी स्टार्ट किया, इतना भी उसमें इतना कंटेंट नहीं डाला हुआ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम और ज़्यादा कंटेंट उसमें इंक्लूड करेंगे। आपने देखा अभी सुमित बैठा हुआ था जहाँ पे कितने सारे प्लांट्स थे, राइट, तो सारी वो जगह को थोड़ा सा भी रेनोवेट करेगा, धीरे धीरे टाइम लगता है ना जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, नया कुछ और यू नो किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जब आप वीडियोज बनाना शुरू करते हो लाइक गार्डनिंग के रिलेटेड, तो पहले तो इतने सारे उसने प्लांट्स इकट्ठे किए, ये वो बहुत कुछ, तो बस प्लांट्स तो ऑलरेडी उसके पास थे बट होता है ना यार और ज़्यादा होता है जब आप कोई चैनल वगैरह स्टार्ट करते हो, तो चलो गाइज दोनों चैनल्स को आप जरूर देख लेना। एंड या मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना एंड शेयर कर देना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे पर्पल ने क्या सेंड किया है, और ये वाली जो क्लिप है ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ इसलिए आई एम लाइक विदाउट मेकअप बस ना, समटाइम्स जब मैं इंट्रो कर रही होती हूँ ना तो मैं ना भूल जाती हूँ कहीं मैं कोई पॉइंट छोड़ ही ना दूँ। या आई एम डन गाइज, ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो मेरे पास हैं, ये है गुड वाइब्स की सिनेमन और वलेरियन रूट वाली ग्रीन टी, ये मैंने नहीं अभी तक ट्राई की, ये अभी बंद है पैकेट, और ये है गुड वाइब्स प्लस की ऑरेंज प्लस रोज एनर्जाइजिंग हाइड्रेटिंग ग्रीन टी, ये मैंने पीनी शुरू कर दी है और एक बहुत ही ज़्यादा गाइज क्या मैं बोलती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा ना रिफ्रेशिंग सी लगती है, और लेट मी शो यू, देखो जरा इसका मतलब कितना ओरिजिनल, ये देखो आपको रोज पेटल्स दिख रहे होंगे, आपके दिख रहा है आपको ये ऑरेंज के वो है छिलके जो सुखा के नहीं डालते ऑरेंज के छिलके, और इसके अंदर बहुत कुछ होता है, कितनी सही वाला प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर गाइस मेरे पास है यहाँ पे गुड वाइब्स प्लस की पेपरमेंट और आमला, ये एंटी एक्ने और एंटी एजिंग ग्रीन टी है, मैं गुड वाइब्स की सारी ग्रीन टी को बारी बारी ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे होता ना अगर मेरा एक पैकेट खत्म हो रहा है, मैं और आरव के पापा हम दोनों पी रहे हैं, दिन में 2 बार पी रहे हैं, लाइक एक बार सुबह खाली पेट और एक बार शाम को खाली पेट, तो मुझे होता ना जब मेरा एक पैकेट खत्म होना तो मैं कोई नया वाला फ्लेवर इसका ट्राई करूँ, बस यही चक्कर है। और फिर मेरे पास है ये, इसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, नहीं ओपन किया, ये है डर्म डॉग का सनस्क्रीन लोशन है SPF 50 के साथ, इसके अंदर है विटामिन सी, इसको मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी वगैरह नहीं पता, तो चलो जब ट्राई करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर मेरे पास है ये हेयर सीरम NYBay का, इसको अभी तक मैंने यूज करना नहीं शुरू किया एंड जब यूज करेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। और फिर मेरे पास है ये NYBay का अंडर आई सीरम है, ये
डर्म डॉग का अंडर आई सीरम तो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। अभी इसका देखते हैं, पैक्ड है ये अभी बिल्कुल। फिर मेरे पास है ये गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम, ये आपको पता है यार ऑलरेडी, मतलब डिटेल में मैं इसको वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है और बहुत आई गेस एक साल पहले मैंने डाली थी, एक डेढ़ साल पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी रोज हिप सीरम की, और मैं अपनी हर मेकअप लुक में, आपने देखा ही होगा यार काफी लुक्स में यूज करते हुए प्रोडक्ट, बहुत सही वाला प्रोडक्ट गाइस। फिर मेरे पास है ये डर्म डॉग का मॉइस्चराइजिंग हेयर स्पा, और ये डीप एंथेनॉल के साथ है। डीप एंथेनॉल एकदम मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं इसके अंदर, ये काफी पसंद आया मुझे। हेयर स्पा वाली वीडियो आने वाली है तो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, डिटेल में मैं उसमें उस वीडियो में इसका रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। एंड फिर मेरे पास है ये गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल हेयर कंट्रोल वाइटलाइजिंग सीरम है। अगर आपके बहुत ही ज्यादा, अगर आपको देख लो कुछ इस तरह से पैकेटिंग है, रफ डल ड्राई फ्रीजी एकदम, अगर आपके बाल है ना तो आप ये वाला सीरम ट्राई करो। अगर आपके बाल कर्ली हैं, आपको पता है कर्ली बाल नीचे से बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, फ्रीजीनेस होती है उन बालों में, तब इसको ट्राई करो आपको पसंद आएगा। फिर मेरे पास है ये एल्प्स गुडनेस का सैंडलवुड फेस वॉश है, देख सकते हो आप, मेरे पास पहले भी सैंडलवुड फेस वॉश पड़ा हुआ है बाथरूम में, काफी अच्छा ये प्रोडक्ट है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये एक और पैकेजिंग आ गई, देख सकते हो आप ये पैक्ड है, ठीक है। एंड फिर मेरे पास है लास्टली ये एक पेंसिल, ये है वेट एंड वाइल्ड की फोकस फोन, हाँ ये है वेट एंड वाइल्ड की, ये ना न्यूड पेंसिल है और इसका जो शेड है वो है कलर आइकन, एक सेकंड मुझे इधर करने दो, फोकस ही नहीं कर रहा वो, ये है कलर क्रेयॉन है ये वेट एंड वाइल्ड का, 135 रुपीस का है। और काजल पेंसिल है कॉलिंग योर बफ, न्यूड पेंसिल होते हैं ना कई बार हम जब आई मेकअप करते हैं तो लोअर वाटर लाइन पे हम व्हाइट नहीं अप्लाई करते, व्हाइट ना बहुत ज्यादा व्हाइट लगने लग जाता है, ये स्किन कलर की है। अपने किसी मेकअप लुक में मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगी, इधर से ओपन होती है, देखो कुछ इस तरह से ये पेंसिल है स्किन कलर की, शेड आप इसका देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू। और जितने भी मैंने आपको आज की वीडियो में प्रोडक्ट्स दिखाए सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टिल देन बाय, लव यू।